गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास. वी आर डूइंग द रिवीजन ऑफ द चैप्टर न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम. दिस इज योर चैप्टर 11 इन ओल्ड बुक एंड चैप्टर 10 इन न्यू बुक. दिस इज द सेकंड लास्ट चैप्टर एंड इन दिस बुक वी आर गोइंग टू नो अबाउट द रूलर्स लाइक समुद्रगुप्ता. Samudragupta, he was one of the greatest ruler of Gupta dynasty. And about Samudragupta, we know from one of his prasastis. In this regard, we must understand the meaning of prasasti. Which prasasti jo hai, uska kya matlab hota hai? प्रशस्ति इट्स अ काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन. जैसे अशोका के समय में हमने देखा कि अशोका ने जो भी अपने मैसेजेस थे उन मैसेजेस को रॉक पे उन्होंने इंस्क्राइब कराया था एंड दे वर नोन एज इंस्क्रिप्शंस. सो इन सिमिलर वे प्रशस्तीज आर ऑल्सो इंस्क्रिप्शंस बट दे आर सम स्पेशल काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस बिकॉज इफ यू सी दिस वर्ड प्रशस्ति इट्स अ संस्कृत वर्ड and its meaning is in praise of. ठीक है, प्रशस्ति का मतलब संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है in praise of, किसी की बड़ाई में प्रशंसा में जो बातें की जाती है उसी को हम प्रशस्ति कह रहे हैं. So what we see that प्रशस्तीज were they became very much famous during the period of Gupta ruler. Though earlier also prasastis were written down, like when we have discussed about Gautamiputra Sri Satkarni in the previous chapter, about that ruler also there was prasasti. But what we see that the prasastis became very much important from the time of गुप्ता रूलर्स जब से आए तब से प्रशस्ति जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाती हैं. अब हम ये देखते हैं कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति जो है उसमें क्या कहा गया है. इट टेल्स व्हाट, इसमें जो प्रशस्ति को लिखने वाले हु आर द पीपल हु यूज टू राइट प्रशस्ति, दे आर द पोएट जो राजा के प्रेज में चीजें लिख रहे होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि जो पोएट है जिन्होंने समुद्रगुप्ता के बारे में लिखा है उनका नाम क्या है. ही इज हरी सेना. ठीक है, हरी सेन जो है वो उनके कवि हैं, पोएट हैं जिन्होंने राजा के बारे में लिखा है उनके प्रेज में. लाइक बहुत सारे टर्म्स यूज किए हैं कि किस तरह के वो वॉरियर थे, कैसे वो बैटल में विक्ट्रीज उन्होंने जीती और उनकी जो बराबरी की गई, उनकी जो कंपैरिजन की गई है समुद्रगुप्ता की वो गॉड से की गई है. मतलब वो इतने महान थे, ही वॉज एज ग्रेट एज गॉड. और एक चीज ये भी देखी गई है कि जो प्रशस्तीज थे उनका जो कंपोजिशन था बहुत ही लॉन्ग सेंटेंसेस में होता था. और ऐसे ही एक सेंटेंस का पार्ट हमें हमारी बुक में दिया गया है जिसको पढ़ने से हम समझ सकते हैं कि वो कितना लंबे लंबे सेंटेंसेस उसमें होते थे. लाइक जो इंस्क्रिप्शन है उसमें क्या है, हुज बॉडी वॉज मोस्ट चार्मिंग. उनकी जो बॉडी थी वो बहुत चार्मिंग थी, उसमें काफी मतलब एक जिसको कहें कि जादुई असर था. व्हाट वॉज दैट, वाई वॉज दैट, वाई वॉज इट चार्मिंग, इट वॉज covered with the plenteous beauty of the marks of hundreds of scars caused by battle axes, arrows, spikes, spears, barbed darts, swords, iron clubs, javelins, barbed arrows, long arrows and many other weapons. These are the names of the weapon जो हमने अभी देखा, axes हैं, then arrows हैं, spikes हैं, spears हैं, swords हैं, javelins hai. These are the names of the weapons which were used during the battle time. ठीक है, अब इन weapons से जो कि use किए जाते थे battle के time में, इन weapons से समुद्रगुप्त को injured किया गया.
वो फाइट कर रहे हैं, ही इज बैटलिंग द ही इज फाइटिंग द बैटल, है ना। तो उसमें उन पर बहुत सारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपन्स हैं उनसे उन पर अटैक किया जाता था, और उनकी जो पूरी बॉडी थी, द होल बॉडी वॉज कवर्ड विद द नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ दीज नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ स्कार्स, जो इन हथियारों से उनको जो चोट लगी उनके क्या होते हैं, जब हमें कहीं भी चोट लगती है बॉडी पे तो उसके निशान बन जाते है ना, और उस निशान को देख के हमें याद आता है कि ये निशान हमें कब लगा था, ये चोट हमें कब लगी थी, कैसे लगी थी। तो जब भी चोट लगती है तो वो चोट एक हमारी बॉडी पे एक निशान छोड़ जाती है। तो जो समुद्रगुप्त की बॉडी है उसकी उस बॉडी पे सैकड़ों हंड्रेड्स ऑफ स्कार्स मौजूद है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वेपन से उसकी बॉडी पे चोट लगी है और उन चोट से निशान बने हुए हैं पूरे शरीर पे, और यही उसकी बॉडी की ब्यूटी, बिकॉज ही वॉज द किंग एंड हिज मेन ड्यूटी वॉज टू फाइट बैटल, वॉज टू विन बैटल, और वो अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभा रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन दैट हिज बॉडी इज कवर्ड विथ प्लेंटियस ब्यूटी ऑफ द मार्क्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्कार्स, है ना। ये उनकी उनकी ब्रेवरी को बता रहा है कि हाउ ब्रेव ही वॉज, कि इतने सारे स्कार्स उसकी बॉडी पे थे, इतने सारी चोट लगे हुए थे, चोट के निशान उसकी बॉडी पे थे, ये चोट के निशान बता रहे हैं कि वो कितना ब्रेव इंसान था, ठीक है। तो इस तरह से लंबे लंबे सेंटेंसेस जो है वो प्रशस्तीज में लिखे हुए हैं, ठीक है। अब अगर हम समुद्रगुप्त के का जो उनका जो एम्पायर था, ही वॉज ऑल्सो हैविंग एन एम्पायर, नॉट अ किंगडम बट अ एम्पायर, तो समुद्रगुप्त का जो एम्पायर था वो बहुत बड़ा एम्पायर था, और व्हाट वी सी दैट द होल एम्पायर वॉज नॉट रूल्ड इन अ यूनिफॉर्म मैनर, यानी कि पूरा का पूरा जो गुप्ता एम्पायर था वो एक ही तरह से रूल होता था, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जो थे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से रूल होते थे। सो द एम्पायर ऑफ समुद्रगुप्त वॉज रूल्ड according to a particular type, and this is described in the Prashastis, one of the Prashastis which is written by Harisena, and in this, through this Prashasti we get information about the ruling of the Gupta Empire, कि किस तरह से Gupta Empire जो था वो rule होता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि Harisena, he has described फोर डिफरेंट काइंड ऑफ रूलर अंडर द गुप्ता एम्पायर, गुप्ता एम्पायर के अंदर चार अलग अलग तरह के रूलर्स जो थे वो मौजूद थे, और समुद्र गुप्ता's policies towards them was also different, है ना। चारों रूलर की तरफ समुद्र गुप्ता का जो पॉलिसी था, दैट पॉलिसी वॉज ऑल्सो डिफरेंट, एंड यू विल सी दैट इन योर बुक वन मैप इज गिवन, है ना। अब इस मैप को जब आप देखेंगे जिसमें कि गुप्ता एम्पायर के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया गया है, तो व्हेन यू ऑब्जर्व दिस मैप व्हाट यू विल सी दैट देयर इज एन एरिया व्हिच इज शेडेड इन ग्रीन, है ना। मैप में आप देखोगे एक एरिया जो है वो ग्रीन में शेड किया हुआ है, तो जो ग्रीन में शेड किया हुआ है वो क्या है, दैट एरिया बिलोंग्स टू द रूलर्स ऑफ आर्यावर्त, ठीक है। आर्यावर्त के जो रूलर्स हैं उनको वो बिलोंग करता था, एंड यहाँ पर 9 रूलर्स होते थे, ठीक है। 9 रूलर्स यहाँ पर हुआ करते थे जिनको समुद्रगुप्त ने अपरूट कर दिया था, अपरूट मतलब उनको उनका एंड कर दिया था, रिमूव कर दिया था, और वो जो 9 रूलर्स थे वहाँ पर पहले, उनके किंगडम को जो है वो समुद्रगुप्त ने अपने एम्पायर का हिस्सा बना लिया था, यानी कि यहाँ पर समुद्रगुप्त का डायरेक्ट कंट्रोल था, ठीक है। तो जो आपके बुक में मैप दिया गया है उसमें हमने अभी किसको डिस्कस किया, हमने उस पोर्शन को डिस्कस किया जो कि ग्रीन कलर में दिखाया गया है, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर में एरिया दिखाई गई है वो क्या है, ये द रूलर्स ऑफ आर्यावर्त को कहते हैं, द रूलर्स ऑफ रूलर्स ऑफ आर्यावर्त, ठीक है। और यहाँ पर कितने रूलर्स थे, 9 रूलर्स थे जिनको कि अप्रूव
एरिया को समुद्र गुप्ता ने अपने डायरेक्ट कंट्रोल में लिया। ठीक है, अब इसके अलावा जो सेकंड टाइप ऑफ रूलर्स हैं वो हम देखेंगे दक्षिण पथ के रूलर्स। ठीक है, यहाँ पर 12 रूलर्स हुआ करते थे जिनको हम दक्षिण पथ के रूलर्स कह रहे हैं। वो नंबर उनका कितना था, 12 रूलर्स थे। और इस दक्षिण पथ जो है इसकी जो कैपिटल्स है उसको आप देखेंगे जो मैप है उसमें रेड डॉट से दिखाया गया है ना। तो दक्षिण पथ के जो कुछ कैपिटल, नॉट ऑल द कैपिटल्स बट सम ऑफ द कैपिटल्स आर मार्क्ड विद रेड डॉट। ठीक है, तो ये जो दक्षिण पथ के रूलर्स हैं जहाँ पर के 12 रूलर्स हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया था समुद्रगुप्ता को, क्योंकि वो समुद्रगुप्ता से हार गए थे। समुद्रगुप्ता से हारने के बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया था अपने आप को, और देन समुद्रगुप्ता अलाउड देम टू रूल अगेन, बट नाउ दे आर रूलिंग नॉट एज अ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट रूलर, क्योंकि वो हार चुके हैं समुद्रगुप्त से, वो समुद्रगुप्त के सामने सरेंडर कर चुके हैं। समुद्रगुप्त ने उनको फिर से कह दिया रूल करने के लिए, तो नाउ दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ समुद्रगुप्त। ठीक है, तो जो रेड डॉट्स हैं दैट इज द रूलर्स ऑफ दक्षिण पर। रेड डॉट्स किसको दिखा रहा है, रेड डॉट्स रूलर्स ऑफ दक्षिण पर। देखो इनको अप्रूव किया गया था, दिस इज द डिफरेंस है ना, यही डिफरेंस हमें समझना है। तो जो आर्यभट्ट के रूलर्स थे जिनको कि ग्रीन कलर से दिखाया गया, उनको समुद्रगुप्त ने पूरी तरह से रिमूव कर दिया था, अप्रूव कर दिया। लेकिन जो दक्षिण पथ के रूलर्स हैं उनको अप्रूव नहीं किया, उनको हरा दिया और उसके बाद फिर दे दिया कि आप अपने से रूल करिए। तो नाउ दे आर इन एन इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ समुद्रगुप्त। ठीक है, और जो थर्ड टाइप ऑफ रूलर्स हम देखते हैं वो क्या है, वो है द इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट, लाइक जैसे असम है जो कि नेबरिंग में आता है, देन कोस्टल बंगाल, नेपाल, फिर जो संघास थे जैसे हमने बज्जी के बारे में पढ़ा, वैशाली के बारे में पढ़ा, ये जो संघास थे ये सब भी इनके नेबरिंग में ही थे, है ना। और ये अगर आप मैप पे देखोगे तो दीज आर सोन इन पर्पल कलर। ठीक है, तो जो ये इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स हैं वो क्या करते थे, दे यूज टू ब्रिंग ट्रिब्यूट, है ना, एंड राजा के लिए ट्रिब्यूट लाते थे, राजा के ऑर्डर्स को फॉलो करते थे और उसके कोर्ट में वो आते जाते थे। तो दे वर जस्ट लाइक कि उसके ही कंट्रोल में थे, नॉट इन द डायरेक्ट कंट्रोल बट इन द इनडायरेक्ट कंट्रोल। ठीक है, तो ये जो पर्पल से दिखाया गया है वो कौन है, दे आर द रूलर्स ऑफ नेबरिंग स्टेट्स। ओके, ये पर्पल जो है वो है द इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट। अब ये क्या करते थे, दे यूज टू ब्रेक द ब्रॉट ट्रिब्यूट्स फॉलोड ऑर्डर्स ऑफ समुद्रगुप्त, है ना, एंड अटेंडेड द कोर्ट। तो इस तरह से ये थर्ड वाला हमने पढ़ा, थर्ड टाइप ऑफ रूलर।
जहाँ पर कि डायरेक्ट कंट्रोल यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी वो दे आर इन द इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द किंग। और अब हम देखते हैं फोर्थ टाइप ऑफ रूलर कौन से थे। फोर्थ टाइप ऑफ रूलर जो हम देख रहे हैं वो है आउटलाइन एरियाज, जो कि आपके मैप में ब्लू से दिखाया है। ठीक है, अगर आप अपने मैप को जो बुक में दिया गया मैप है उसको ऑब्जर्व करेंगे तो जो सबसे इनर सर्कल है, सबसे बीच वाला है, दैट इज आर्यावर्त, है ना, जहाँ पर कि डायरेक्ट कंट्रोल था। आर्यावर्त के बाद जो चारों तरफ है वो दैट इज नेबरिंग इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स है, है ना। और उस नेबरिंग स्टेट, इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट के बाद जो एरिया पड़ता है वो आपका है आउटलाइन एरियाज, जो कि ब्लू से दिखाया गया है। ठीक है, तो आउटलाइन एरियाज जो है वो उसके बाद है, ग्रीन, पर्पल, ब्लू। और ये ब्लू में जो दिखाया गया है इसमें जैसे कुसानास जो थे नॉर्थ वेस्ट में, जिन कुसानास का रूल था, उन कुसानास के डिसेंडेंट्स, है ना, डिसेंडेंट्स क्या हुआ, उनके जो आगे आने वाली जो जनरेशन्स थी वो वहाँ पर रूल करते थे। सक्कर डायनेस्टी रूल करता था। इसके अलावा इस आउटलाइन एरिया में श्रीलंका भी आता है। इन सब ने भी राजा के, समुद्रगुप्त के को अपने आप को सबमिट कर दिया था, एंड दे ऑल्सो ऑफर्ड देयर डॉटर्स इन मैरिज। तो एक तरह से देखा जाए तो इनका जो साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था, है ना। बीच में पूरा टाइट कंट्रोल था, जैसे जैसे एरिया बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कंट्रोल का जो नेचर है वो चेंज होता जा रहा है, फ्रॉम डायरेक्ट कंट्रोल टू इनडायरेक्ट कंट्रोल। जब हम आउटलाइन एरियाज में आ जाते हैं, जहाँ तक कि जहाँ पर हम देखते हैं नॉर्थ वेस्ट में, जहाँ कुषाण के डिसेंडेंट्स वर रूलिंग, सक्कर डायनेस्टी वर रूलिंग, श्रीलंका तक इनका असर चला जाता है, तो ये वो एरियाज थे जिनके रूलर्स ने अपने आप को सबमिट कर दिया था, सरेंडर कर दिया था राजा के सामने, एंड दे ऑल्सो ऑफर्ड देयर डॉटर फॉर मैरिजेस, है ना, मैरिज विथ समुद्रगुप्त का। तो ये लास्ट वाला है, दैट इज आउटलाइन एरियाज, जो कि ब्लू कलर में दिखाया गया है। ठीक है, और यहाँ के रूलर जो थे उन्होंने सबमिटेड themselves and offered their daughters. ठीक है, तो इस तरह से समुद्रगुप्त का जो अंपायर था बहुत बड़ा अंपायर था, और जब एम्पायर इतना बड़ा हो जाता है ना तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कीप डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द होल एम्पायर, इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, एंड दैट इज व्हाई वी सी कि इस तरह का एक सिस्टम इवॉल्व किया गया, जहाँ पर कि चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूलर है पूरे साम्राज्य के अंदर, जिन पर समुद्रगुप्ता का जो कंट्रोल है दैट इज डिफरेंट, है ना, ताकि सबको मिला करके चला जा सके। अगर इस इतने बड़े साम्राज्य, इतने बड़ा जो एम्पायर था, अगर उस पर समुद्रगुप्त चाहते कि हम एकदम डायरेक्ट कंट्रोल में रखें तो दैट वाज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये हमारा, हमने देख लिया कि समुद्रगुप्त के बारे में उनके कवि हरी सेना ने प्रशस्ति लिखी है, जो कि एक तरह का इंस्क्रिप्शन सी होता है, जिसमें कि एक पर्टिकुलर राजा के प्रेज में जो लिखा जाता है। प्रशस्ति गुप्ता एम्पायर के स्टार्टिंग के पहले भी प्रशस्ति लिखे जाते थे, बट प्रशस्ति का जो इम्पोर्टेंट प्लेस हुआ दैट स्टार्टेड आफ्टर दिस, आफ्टर द कमिंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी ओनली। ठीक है, और इसी प्रशस्ति से हमें गुप्ता एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी, रूलर्स के बारे में किस तरह से कंट्रोल था, ये सब पता चलता है। अब इन्हीं प्रशस्ति से कुछ और भी बातें हमें पता चलती है, लाइक जिसको हम कहते हैं जेनोलॉजी,
जेनोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि जो समुद्रगुप्ता की फैमिली के बारे में, उनके एंसेस्टर्स, उनके मदर फादर, मदर फादर के मदर फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, इनके बारे में जब हमें जिन चीज़ों से पता जो पता चलता है उसी को हम जेनोलॉजी कहते हैं। तो जो प्रशस्तीज हैं वो जेनोलॉजी के बारे में भी बातें बताते हैं। So, the prasasti, one of the prasastis of Samudragupta describes about his father, then his grandfather, then his great-grandfather and also about his mother. तो इसी को हम genealogy कहते हैं, और इसमें हम देखते हैं कि उनकी जो mother थी, her mother's name was Kumara Devi and she belonged to Lichvi Gana. Okay? Kumara Devi was the name of Samudragupta's mother, है ना? And Samudragupta's mother belonged to Lichvi Gana. ये कहाँ थी कि Lichvi. और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि जो उनके फादर थे वो कौन थे? फादर वो चंद्रगुप्ता, और जो चंद्रगुप्ता थे वो गुप्ता डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर थे, जिनको कि सबसे पहली बार महाराजा धीराज का टाइटल मिला था। चंद्रगुप्ता वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी हु अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, महाराजा धीराज। इनके पहले, ठीक है, चंद्रगुप्ता के पहले जो चंद्रगुप्ता के इनके जो फादर थे, ग्रैंडफादर थे, दे यूज टू बी नोन एज महाराजा, जिसे राजा हुआ ना, राजा के ऊपर महाराजा। तो जो चंद्रगुप्ता के जो एंसेस्टर्स थे, जो फादर थे, ग्रैंडफादर थे, दे वर नोन एज महाराजा, बट चंद्रगुप्ता के समय से वो महाराजा अधिराज कहलाने लगे। तो धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं, ये समझ में आ रहा है कि पहले उस फैमिली के जो राजा थे वो महाराजा कहलाते थे, बट धीरे धीरे वो महाराजा धीराज कहलाने लगे। इसका मतलब कि जो फैमिली का इम्पोर्टेंस है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, ठीक है। और इसके अलावा जो प्रशस्ति है उसमें समुद्रगुप्ता के आगे जो आने वाले जनरेशन थे उनके बारे में भी पता चलता है। समुद्रगुप्ता के सन का नाम चंद्रगुप्ता टू था, फादर का नाम भी चंद्रगुप्ता है ना, एंड नेवर कन्फ्यूज दिस चंद्रगुप्ता विथ दैट चंद्रगुप्ता मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ही वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी अराउंड 300 BC में, वो BC है ना। अब हम जो है वो बात कर रहे हैं इस गुप्ता डायनेस्टी की, और चंद्रगुप्ता जो है वो ही इज द रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, एंड चंद्रगुप्ता का सन समुद्रगुप्ता, एंड द नेम ऑफ द सन ऑफ समुद्रगुप्ता इज चंद्रगुप्ता टू, ठीक है। तो ये जेनोलॉजी से हमें उनके आगे जो आने वाले जनरेशन से उनके बारे में भी पता चलता है, जिनका कि उनके बेटे का नाम चंद्रगुप्ता टू था। और ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, कॉइन्स मिलते हैं, जिनसे हमें चंद्रगुप्ता टू के बारे में पता चलता है। एंड ही वॉज अ वेरी वेरी फेमस रूलर एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। उन्होंने वेस्टर्न इंडिया में एक्सपेडिशन किया, वेस्टर्न इंडिया में को कंकर करने के लिए एफर्ट किया, और वहाँ पे उन्होंने सक्का डायनेस्टी को ख़त्म किया था, ठीक है। और उसके बाद ये भी पता चलता है, ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिससे पता चलता है कि उनका जो कोर्ट था, वो कोर्ट जो थे वो बहुत ही लर्न्ड पीपल उस कोर्ट में थे, लाइक कालिदास जो कि बहुत बड़े पोएट थे, देन आर्यभट्ट जो कि
एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे. यू हैव रेड अबाउट आर्यभट्ट इन द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, है ना. तो इस तरह की जो लर्न पीपल थे दे यूज टू लिव इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता टू. ठीक है, तो ये चीजें हमें कैसे पता चलती, इन सब बातों का पता हमें प्रशस्ति से मिलता है. इसी में एक चीज जो आपकी आपको जानना है, दैट इज अबाउट विक्रम संवत. व्हाट इज विक्रम संवत? ठीक है, अब ये विक्रम संवत से हम क्या मीन करते हैं. ये जो एरा है, इट्स अ काइंड ऑफ एरा, एंड दिस एरा बिगेन इन द 58 BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा. 58 BCE में ये एरा स्टार्ट होता है. और ये जो एरा है, दिस एरा इज एसोसिएटेड विथ गुप्ता किंग चंद्रगुप्ता टू, हु वाज द सन ऑफ समुद्रगुप्ता, है ना. और यही चंद्रगुप्ता जो है, इनको ही जो टाइटल मिला था वो विक्रमादित्य को मिला, कम टाइटल मिला था विक्रमादित्य. यू मस्ट हैव हर्ड द स्टोरी ऑफ विक्रमादित्य, विक्रम एंड वेताल, बहुत ही फेमस सीरियल जो कि टीवी में आता था, है ना. विक्रम एक राजा था, वही विक्रमादित्य, और वेताल जो कि एक घोस्ट था, उसकी स्टोरी बहुत पॉपुलर है. तो विक्रमादित्य जो था वो बहुत ही प्रतापी राजा था. ही वॉज अ वेरी ग्रेट वॉरियर, बहुत पावरफुल था. और ये एकदम आपको समझ लेना है कि जो चंद्रगुप्ता टू था वही विक्रमादित्य था. विक्रमादित्य, ठीक है. और ये जो हम पढ़ रहे हैं विक्रम संवत, ये इसी विक्रमादित्य से एसोसिएटेड है. और जब चंद्रगुप्ता टू या विक्रमादित्य ने वेस्ट में एक्सपेडिशन किया, अपनी आर्मी लेकर के अटैक किया और शका रूलर को खत्म किया, उसके ऊपर उसको डिफीट करके अपनी विक्ट्री ली, उसी समय इन्होंने इस विक्रमादित्य के टाइटल को लिया. और ये जो एरा बिगन हो रहा है 58 BCE, वो भी उसी शका डायनेस्टी के एंड के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है. और अगर हम इंडिपेंडेंट इंडिया में देखें, आज के समय में हमारी जो कंट्री है, हम जो कैलेंडर अभी यूज करते हैं, जैसे हमने कैलेंडर यहाँ 24 February 2021 लिखा, दिस इज अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है. ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंगली हम लोग ये चलते हैं, जनवरी फरवरी मार्च जिस तरह से जो भी है, ठीक है. बट इसके साथ साथ हमारी कंट्री में एक और कैलेंडर जो है वो चलता है, और यही है विक्रम संवत जिसकी हम बात कर रहे हैं. विक्रम संवत जो है वो 58 BCE जो है, दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ विक्रम संवत. तो आज के समय से 58 इयर्स पीछे चलता है विक्रम संवत, उसकी कैलेंडर अलग होती है, ठीक है. तो ये इसको डिनोट करता है. और अब हम देखेंगे कि जैसे जो प्रशस्तीज हैं उनसे हमें समुद्रगुप्त के पीछे जो उनके पूर्वज थे उनके बारे में पता चलता है, उनके आगे आने वाले जो उनके सन थे उनके बारे में पता चलता है, उनके उनके पूरे एम्पायर के बारे में पता चलता है. उसी तरह से और भी प्रशस्तीज लिखे गए जिनसे हमें और भी अदर किंग्स जो हैं उनके बारे में पता चलता है, ठीक है. जैसे कि हम क्या देखते हैं कि हर्षवर्धन जो है, जो कि कन्नौज के रूलर थे, उनके बारे में भी हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है, क्योंकि उनके एक कवि थे, पोएट थे, कोर्ट पोएट थे, हिज नेम वाज बाणभट्टा. बाणभट्टा ने उनके बारे में उनकी बायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है हर्षचरित.
तो ये हर्षचरित्र जो लिखा वानभट्ट ने, उन्होंने संस्कृत में लिखा, और इस हर्षचरित्र से हमें बहुत सारी बातें, बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं उस हर्षवर्धन के बारे में, हमें बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। इन सब बातों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।